नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के स्वाट और जहानागढ़ थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुरा कर बेचने वाले 10,000 के इनामी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बताते चले कि बीते फरवरी माह में जहानागंज थाना क्षेत्र में स्वाट और जहानागंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की चोरी की बैटरी बरामद हुई थी। इसी गिरोह के सरगना समेत 3 सदस्य फरार हो गए। गिरफ्तारी न होने पर SP अनुराग आर्य ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शनिवार को स्वाट जहानागंज थाने के उप निरीक्षक को सर्विलांस के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने पुनर्जी पुलिया से 10,000 का इनामी बैटरी चोर अयोध्या पुत्र श्याम नारायण निवासी रामपुर जहानागंज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी के कब्जे से एक तमंचा व 2 कारतूस भी बरामद किया। SP CT सरेंद्र लाल ने बताया कि इनामी बैटरी चोर को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के फरार चल रहे अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। एक शातिर चोर जो 10,000 का इनामी था और 2 मुकदमे में थाना जहानागंज से वांछित था, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। इसके बाकी साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। इस आदमी को रिमांड पर लेकर इनके चोरी के सामान की बरामदगी करी जाएगी व इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व इनका प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।